वेलकम लोक नीति CSDS। आज आपको इलेक्शन 2020 ओपिनियन पोल बताएगा जो जनता का मूड क्या है, और हम जानेंगे CSDS 1963 में बना और लोक नीति 1997 में रिसर्च करती है। अलग अलग स्टेट में नेशनल इलेक्शंस होते हैं और अदर सर्वे भी, जैसे कि पुलिस सर्वे और बहुत सारे सर्वे इन्होंने कर चुका है, और इनके सर्वे बहुत ही अच्छे होते हैं और प्रामाणिक भी होते हैं। टॉप चॉइसेस फॉर CM, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, नीतीश कुमार 31% के साथ नंबर वन पे हैं और तेजस्वी 27% और चिराग 5% के साथ तीसरे नंबर पे हैं। और हम लोग सुशील मोदी की बात करें तो 4% और लालू यादव को 3% लोग जनता ने बहुमत दी है कि ये होने चाहिए हमारे मुख्यमंत्री। और हम लोग सीट शेयरिंग की बात करें तो NDA को जनता दे रही है 133 से 143 सीट्स, महागठबंधन को 88 टू 98 सीट्स और LJP को 2 से 6 सीट्स मिलने वाले हैं और अदर को 10 सीट्स। ये देखिए हमारे ग्राफ हैं, 6 टू 10 अदर को मिलने वाले हैं, 243 पूरे सीट है और बहुमत के लिए हम लोग को चाहिए 122 सीट। तो निश्चित तौर पर NDA गठबंधन बना रही है सरकार। और जो वोट शेयरिंग की हम लोग बात करेंगे तो 38% जो कि घट के आ गई है, और महागठबंधन की वोट शेयरिंग बढ़ी है 29 से 32% हुई है। ये देखिए हम लोग पॉपुलरिटी की बात करें तो लालू फैमिली की पॉपुलरिटी बढ़ी है इस बार, 2015 से हम लोग देखें तो बढ़ी है 9 से 30% और नीतीश कुमार की 31% हुई है जो कि घट गई है। अब हम लोग चांस की देखें तो 31% लोग नीतीश कुमार को और 9 में 26%, और न्यू लीडर की इसमें बात देखिए दोस्तों 34% की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट पॉपुलरिटी भी घटी है 72% से 61% आ गया, और डिससेटिस्फाइड भी बढ़े हैं 23 से 35% हो गई है। ये लोक नीति CSDS प्री पोल इलेक्शन 2020 बिहार में जो है उसका सर्वे ये रिजल्ट आया है। और स्टेट गवर्नमेंट परफॉर्मेंस लोक नीति CSDS प्री पोल में देखा गया कि इसमें गवर्नमेंट से लोग सेटिस्फाइड बहुत कम है, 80 से 52% हो गई है और 44 डिससेटिस्फाइड लोग हैं। अच्छा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग इसको सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और लोक नीति CSDS सर्वे एक बेस्ट रिपोर्ट देती है। धन्यवाद।